Hey guys, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हनुमान के हिंदी टीजर ट्रेलर के बारे में, जिसने दिल खुश कर दिया। इस एक टीजर ने एक सुपरहीरो के ओरिजिन से लेकर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स जो प्रशांत जी ने सोच रखा है, उन सब की झलक को हमें दिखा दिया है। इन सब के ऊपर हम बात करेंगे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। सो गाइज, इस टीजर ट्रेलर का जो गूज़बम्प वाला सीन था, वो डेफिनेटली एंड का ये सीन था, जहां हनुमान जी को दिखाया जाता है बर्फ के अंदर एंड वो राम जी नाम जप रहे होते हैं। मूवी में ये सीन तब दिखाया जाएगा जब हमें हनुमान जी का रक्त रतन के बारे में बताया जा रहा होगा, जो कि आप यहाँ हनुमान जी के सेंटर में नोटिस भी कर सकते हैं। ये रक्त रतन हनुमान जी के पास से समुद्र की गहराई में कैसे जाएगा और कैसे हीरो को मिलेगा, ये तो हमें मूवी आने पर पता चलेगा। और ये जो रक्त रतन है, इसको प्रशांत जी ने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर यूज किया है, ताकि हमारे हीरो को पावर दी जा सके एंड एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जा सके, जहां पे इंडियन सुपर हीरोज को पावर्स इंडियन गॉड से मिलते हैं। जो सुपर हीरो वाला एंगल है, उस पर आने से पहले एक बात बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता कि हनुमान जी जिस बर्फ के अंदर दिखाए जा रहे हैं, वो शिवलिंग के शेप में है, जो कि जानबूझकर डाला गया होगा, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार थे। वेल, ये सीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन बात तो हमें पूरे टीजर की करनी है, तो चलिए बाकी शॉट्स पर आते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अंजद्री नामक जगह की होगी, क्योंकि जब मीनाक्षी जी का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया था, तब हमें वहां पे लिखा हुआ दिखाया गया था, मीनाक्षी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अंजद्री। अंजद्री वो जगह है जहां हनुमान जी ने जन्म लिया था एंड रियल में एग्जिस्ट करता है, बस उस जगह को प्रशांत जी ने अपने हिसाब से रीइमेजिन करके दिखाया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है, प्लस कई सारी और भी चीजें को ऐड किया गया है। सो कहानी हनुमान जी के रक्त रतन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके अंदर हनुमान जी के कुछ पावर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड लंबी छलांग करने वाले एबिलिटीज, जो कि हमें टीजर के अंदर हीरो करते हुए भी दिखता है। अब बात करें हीरो को पावर्स कैसे मिलेंगे, तो टीजर में आप देख सकते हैं कि हीरो को एक लात पड़ती है और वो दूर जाके फेंका जाता है। ये हीरो का नाम शायद तक हनुमंतु होगा, जो कि समुद्र के उस गहराई में पहुंच जाएगा जहां हनुमान जी का रक्त रतन है एंड वो हनुमंतु को चूज करेगा एज वर्दी कैंडिडेट, जिसके बाद उसमें पावर्स आ जाएंगे। इसके बाद वो समुद्र से बाहर धकला जाएगा, जैसा कि हम इस टीजर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हनुमंतु को किक मारा जाता है और वो समुद्र से बाहर आता है, तब दोनों ही टाइम उसके टी शर्ट एक जैसे ही होते हैं, तो पॉसिबली मैं जो अंदाजा लगा रहा हूं वो सही हो। इसके अलावा इसी टी शर्ट में उसकी एंट्री दिखाई गई है फर्स्ट लुक में, जहां वो गुलेर से हमला कर रहा था। एनीवेज, एक किक से पहाड़ के ऊपर से समुद्र या फिर नियर बाय वाटर बॉडी में पहुंचा देना साउथ की मूवीज में तो बहुत ही आम बात है, बट मैं यहां पर यह मान के चलूंगा कि जिसने भी किक किया उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होगी, जिसको इसलिए बुलाया गया रात में, क्योंकि दिन में हमारे हनुमंतु ने दुश्मन के पंटर लोगों की बैंड बजाई होगी। इस मूवी में दो विलन्स होने वाले हैं, जिसमें से जो मेन वाला विलन होगा वो शहर से आएगा, वहीं जो दूसरा विलन होगा वो गांव तरफ से बिलोंग करेगा। गांव तरफ से जो बिलोंग करेगा, उसका एक सव्य लुक हमें यहां पे देखने को मिल गया है, वहीं उसके पंटर लोग का एक दानवी रूप यहां पे देखने को मिलता है, जहां मीनाक्षी के ऊपर वो हमला कर रहा होता है, लेकिन यहां पर वो हेजी रहता है। इसके अलावा उसके हाथ में मशीटी एंड मास्क, ये दर्शाता है कि हो सकता है कि वो किसी ऐसे कबीले से बिलोंग करता हो जो दानव का पूजा करता हो, या फिर अपने पहचान को एनोनिमस रखने के लिए उसने ऐसा भेष धरा हो और यहाँ पर मीनाक्षी पे हमला करने आया हो, जहाँ पे हनुमंतु उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। इसके अलावा जब हनुमंतु अपने हाथ को टाइट करता है, तो आप उसके वेज को देख सकते हैं, जो कि दर्शाता है कि कितनी बारीक डिटेल का ख्याल रखा गया है। प्लस आप नोटिस करिएगा कि जब ये दुश्मन से लड़ रहा होता है, तब वो चप्पल पहना हुआ रहता है, बट जब उसने गदा को लिया हुआ रहता है, तब वो बिना चप्पल का रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो गदा यूज करने वाला कोई होता नहीं होगा, तो ऐसे में उसने ये गदा हनुमान जी की मूर्ति से लिया होगा, जिसके लिए उसने चप्पल उतारे होंगे। आई नो ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो इसको आज नहीं तो कल शायद तक क्रिटिसाइज कर रहे होते कि हनुमान जी के मंदिर से या फिर उनकी मूर्ति से गदा को ले लिया और इसने अपने चप्पल भी नहीं उतारा। तो सोचा इसको भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। यही नहीं, हनुमंतु के हाथ में जो बाली है, उसमें जय श्री राम लिखा हुआ रहता है, जिसको हम यहाँ पे तब देखते हैं जब वो सुपर हीरो लैंडिंग करता है। सुपर हीरो लैंडिंग से याद आया, ट्रेलर के एक शॉट में हम एक मास्क वाले कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे बंदे को मार रहा होता है, जो कि हो सकता है कि हनुमंतु भी हो या फिर वो कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है। ये मास्क वाला कैरेक्टर हनुमंतु इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके चेस्ट में एम लिखा हुआ रहता है, जो कि मीनाक्षी के नाम से लिया गया होगा, या फिर हनुमान का एम, या फिर हनुमंतु से ही जो एम है उसको लिया गया होगा। अब मीनाक्षी के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का क्लिप आया
आया था एंड वो इस मूवी की फीमेल लीड है, तो इससे तो ऐसा ही लगता है कि उनका इस मूवी के अंदर अहम रोल होगा। बट एज वी ऑल नो कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो इसमें वो लव एंगल डालना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहला ये कि मीनाक्षी हनुमंतु से प्यार करे ना कि हनुमंतु इनसे, या फिर दोनों का लव एंगल होगा बट बात आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि मीनाक्षी इस मूवी के अंदर मारी जाएगी एंड उसके मेमोरी में ही हनुमंतु जो सुपर हीरो सूट बनाएगा उसमें M लिखा हुआ रहेगा। एंड मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ये कैरेक्टर हनुमंतु हो सकता है क्योंकि ये बंदा स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है अपने दुश्मन को मारने के लिए एंड हनुमंतु के पास जो पावर है वो सुपर स्ट्रेंथ ही है। अब मान लेते हैं कि ये कैरेक्टर हनुमंतु नहीं बल्कि कोई और है जिसको हमें इसलिए दिखाया गया है ताकि जब हम जैसे कैरेक्टर टीजर ब्रेक डाउन करें तो प्रशांत जी के सुपर हीरो यूनिवर्स के बारे में बात करें। अभी तक तो हनुमान एंड अधीरा कंफर्म कर दिया गया है इस यूनिवर्स के लिए, तो हो सकता है कि ये एक नया कैरेक्टर हो जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया हो। इसको मूवी में दिखा दिया जाएगा छोटे से रोल के लिए, जिसके बाद से हम सब इसको लेके बात करेंगे मूवी खत्म हो जाने के बाद भी, और एक उत्सुकता बनी रहेगी कि इसको कब दिखाया जाएगा। अधीरा के चेस्ट में A लिखा हुआ था, सो इस कैरेक्टर में जो M लिखा हुआ शायद तक उसका नाम हो। अब ये कैरेक्टर हनुमंतु हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एनीवेज टीजर में हमें अंजमा दिखाई जाती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हनुमंतु की माँ होगी। एज जैसे हनुमंतु का नाम हनुमान से मैच खाता है, वैसे अंजमा का नाम हनुमान जी की माता अंजना से मैच खाता है। टीजर से ही हम देख के बता सकते हैं कि अंजमा कितनी निडर और फाइटिंग स्पिरिट रखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हनुमंतु में गलत के खिलाफ आवाज एंड लड़ने के गुण कहां से आए। माइकल जो कि इस मूवी में विलन है वो मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन ही होगा, बट वो हनुमंतु को टक्कर दो तरीके से दे सकता है। पहला ये कि शायद तक हनुमंतु के पावर सूर्य ग्रहण के टाइम कम हो जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के दम पर। हनुमंतु के लॉकेट में सूर्य और टीज से लेकर लोगों में सूर्य जी को दिखाना दर्शाता है कि उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा इस मूवी के अंदर अदर देन सनलाइट देना। सो मे बी हमारे हीरो की वीकनेस ये हो कि वो दिन में ही पावर्स को यूज कर सकता होगा या फिर सूर्य ग्रहण में उसके पावर्स कम होती होगी, क्योंकि हनुमान जी का अगर 1% पावर भी इसको मिल जाए तो भैया विलन को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए हीरो के भी कुछ लिमिटेशन रखे गए होंगे जिसका फायदा विलन उठाएगा, जिससे मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। इसके अलावा जब माइकल को दिखाया गया था तब वो मास्क पहना था, पहले मुझे लगा था कि उसने ये लुक के वजह से पहना है, बट फिर मैंने नोटिस किया कि आसपास गैस छोड़े जा रहे हैं जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, इसीलिए माइकल और उसके लोग भी मास्क पहने हुए रहते हैं। इस तरह और भी मॉडर्न जमाने की चीजें होंगी जिससे हनुमंतु को टक्कर दिया जा सकता होगा या फिर उसके पावर को कम किया जा सकता होगा, ताकि हमें हीरो वर्सेस विलन की एक अच्छी क्लैश देखने को मिले। ऊपर से हनुमंतु एक ह्यूमन है तो उसकी भी एक लिमिटेशंस होगी। बात करने को तो इस टीजर ने बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए बस हम इतना ही रहने देना चाहते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस टीजर और हमारे ब्रेकडाउन के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सके और एंजॉय कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।